पता है किसी एक वीडियो में एक बंदे ने कमेंट किया था कि अगर GTA 6 आएगा तो उसकी ग्राफिक्स RDR 2 जैसी होगी, स्टोरी GTA San Andreas जैसी होगी, वर्ल्ड GTA 5 जैसा होगा और फिजिक्स GTA 4 जैसी होगी। एंड या अगर GTA 4 के साथ उसके दोनों DLCs को इंक्लूड कर दिया जाए तो प्रोबेबली GTA 4 GTA सीरीज में ही वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन वाला गेम है। निको बेलिक जितना मिस्टीरियस कैरेक्टर्स को स्टार्टिंग में दिखाया गया था, गेम के एंड तक ये उतना ही फेमिलियर और उतना ही कनेक्ट करने वाला कैरेक्टर बन चुका था। तो गाइज इतने सारे अच्छी चीज होने के बावजूद भी GTA 4 आज की डेट में स्टीम से ऑफ डेटेड कर दिया गया है। अब ना ही आप GTA 4 के डिस्कशन स्टीम पे कर पाओगे और ना ही आप इसको कभी खरीदना भी चाहोगे। बट ऐसा क्यों? व्हाई GTA 4 फेल्ड? क्यों इस गेम को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है? क्या सबने इस गेम को नहीं खेला? क्योंकि जिन जिन ने इन गेम को खेला है उन्हें पता है कि GTA 4 आखिर है क्या। बट फिर भी GTA 4 इतना ज्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, इतनी ज्यादा मेमोरी क्रिएट क्यों नहीं कर पाया? इस वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे कि वाई GTA 4 फेल्ड, कुछ रीजंस जानेंगे जिससे आपको भी समझने में हेल्प होगी कि GTA 4 गेम खराब नहीं था, बट कुछ बातें थीं जो कुछ पर्संस को ही इफेक्ट करती है, मे बी आपको ना करे। और हाँ, इस वीडियो के एंड में लेजी असैसिन एंड ऑसम जिनोम भी अपने कुछ ज्ञान बांटेंगे आप लोगों के साथ कि क्यों GTA 4 फेल हुआ। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को समझने के लिए मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा और इसी सिचुएशन का यूज करके मैं आपको ये एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा कि वाई GTA 4 फेल्ड। सो सिचुएशन ये है कि हमारे पास दो तरीके के लोग हैं। पहला, जो एकदम रियलिस्टिक गेम पसंद करता है, जो मॉडर्न डे में बेस्ड हो, गन्स, कार्स, चॉपर, बाइक, स्विमिंग, दुकान से चीजें खरीदना एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर सकते हो, मतलब जो आप रियल लाइफ में कर सकते हो वो आप उस गेम में भी कर सकते हो। एक बंदे को ये गेम पसंद है एंड दूसरा बंदा, इस दूसरे बंदे को ऐसा गेम पसंद है जिस गेम में आप वो सारी चीजें कर सकते हो जो आप रियल लाइफ में नहीं कर सकते, जैसे ड्रैगन को मारना, फायरवॉल फेंकना, जादू करना, तलवार चलाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सिंपल वर्ड, एक बंदे को रियलिस्टिक गेम पसंद है, दूसरे बंदे को फैंटेसी। एक बंदे को लाइट ह्यूमर गेम पसंद है और दूसरे बंदे को डार्क, यानी एक बंदे को GTA माफिया जैसा गेम पसंद है, दूसरे बंदे को स्कायरिम, डार्क सोल्स एंड विचर जैसा गेम पसंद है। एंड जितना मैंने नोटिस किया है, जिन लोगों को विचर पसंद आता है उन लोगों को GTA पसंद नहीं आता, एंड जिन लोगों को GTA पसंद आता है उन लोगों को विचर जैसे गेम पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि ये दोनों जॉनर ही अलग है। तो काफी बकवास हो गई। अब बात करते हैं कि वाई GTA 4 फेल्ड। तो सबसे पहला कारण है कि GTA 4 डार्क था। आपको GTA क्यों पसंद है? क्योंकि ये गेम कलरफुल होने के साथ साथ काफी रियलिस्टिक भी दिखाई देते थे, लाइट ह्यूमर एंड प्रॉपर फ्रीडम दी गई थी। बट GTA 4 में उन्हीं कलर एंड कॉन्ट्रास्ट को काफी डार्क वे में दिखाया गया है। निको बेलिक की स्टोरी लाइन काफी डार्क वे में दिखाई गई है। स्टोरी से लेके गेम प्ले तक हर चीज में काफी गोर, काफी खून खराबा एंड चीजें ह्यूमरस होने की जगह और डार्क वे में चली गई। और जैसा कि मैंने कहा था, ऐसी चीजें उन लोगों को पसंद आती है जिन लोगों को विचर पसंद है, जिन लोगों को डार्क सोल्स पसंद है एंड जिन लोगों को स्कायरिम पसंद है। जिन लोगों को GTA पसंद है उन्हें चाहिए था GTA San Andreas जैसा कॉमेडी, ट्रेवर जैसा कैरेक्टर। बहुत से लोगों को GTA 4 का विजुअल बोरिंग लगा, जरा कलरफुल नहीं था, और बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि इसका कॉन्ट्रास्ट टेरिबल था। जो अगला रीजन है वो है कि ऑल ऑफ अ सडन GTA 4 से चीजें ले ली गई, आपकी फ्रीडम ले ली गई। फॉर एग्जाम्पल, बाइक चलाना, चॉपर चलाना, टैंक चलाना एंड और भी मिसलिनियस चीजें। एक बात बताएं, GTA 4 से पहले आया हुआ GTA San Andreas में आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे? चॉपर चलाना, बाइक चलाना, स्विम करना, अंडर वाटर स्विम करना, दौड़ना, रेसिंग करना, बाइसाइकिल चलाना, बाइसाइकिल को कुदाना, तीन अलग अलग तरीके के प्लेन्स को उड़ाना, बाल कटाना, जिमिंग करना, कराटे सीखना, विलेज जाना, स्टंट मारना और भी बहुत कुछ। एंड GTA 4 में सीरियसली कुछ ज्यादा नहीं। इसमें ना तो आप बाल कटा सकते थे, ना ही जिमिंग कर सकते थे, ना ही टैंक चला सकते थे, ना ही चॉपर, यहाँ तक कि आप इस गेम में अंडर वाटर स्विमिंग भी नहीं कर सकते थे। ये कुछ ऐसी ही चीज हो गई जैसे एक महीने तक आपको RTX में गेम खिलवाया गया 4K में, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आपसे RTX लेके 1080p में गेमिंग करवा रहे हैं।
तो कहते हैं ना कि हम ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं आ सकते, हमें वो फीलिंग ही नहीं आएगी। सो सेम GTA 4 के साथ भी हुआ था। GTA San Andreas में इतना कुछ देकर GTA 4 में वो सारी की सारी फ्रीडम ले ली गई। भले GTA San Andreas में आप वो 100 चीजें नहीं करते थे, बट आपको अंदर से ये फीलिंग आती थी कि आपके पास वो फ्रीडम है, अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, भले आप करो ना। लेकिन GTA 4 में आप चाहो भी तो भी आप वो साइड एक्टिविटीज नहीं कर सकते थे, जैसे रेसिंग, अंडर वाटर स्विम करना एक्सेट्रा। सो ये एक अनदर रीजन था कि व्हाई GTA 4 फेल्ड एंड इसे लोग अपनी मेमोरीज में याद भी नहीं रख पाए, भले इसकी स्टोरी कितनी भी अच्छी हो। अगला रीजन, साइड कैरेक्टर्स। मुझे उम्मीद है कि GTA Vice City, GTA San Andreas, इनफैक्ट GTA 5 में आपके इमोशन साइड कैरेक्टर के साथ भी अनबिलीवेबल तरीके से कनेक्ट हो चुके थे, जैसे कि बिग स्मोक, उसके अमेजिंग कोट्स, फ्रैंक टेनपेनी जो आपको हमेशा इरिटेट किया करता था, लेस्टर जो प्रोबेबली हर हैकर का फेवरेट कैरेक्टर था, लैंस और इसने जो आपको बिट्रे किया था, तब आपको आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के जाने से भी ज्यादा दर्द हुआ होगा। नहीं, GTA 4 में कौन थे? आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसा था। यस, GTA 4 के साइड कैरेक्टर्स काफी फ्लैट थे, अनमेमोरेबल थे। मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ रोमन एंड ब्रूसी ही सिर्फ ऐसे कैरेक्टर है जिनको थोड़ा बहुत ही याद रखा गया था, और कोई भी नहीं था जिसको मैं याद रखना पसंद ही करूंगा GTA 4 में। और एक फाइनल रीजन जिसकी वजह से GTA 4 उतने लंबे टाइम तक अपने पैर जमीन पे ना टिका पाया, और वो रीजन है बग्स एंड इसका अनस्टेबल परफॉर्मेंस। पता है GTA 5 मेरे में हाईएस्ट सेटिंग पे अप टू 90 FPS देता है, और GTA 4 60 भी क्रॉस नहीं करता, काफी फ्लक्चुएट करता है, काफी शटर करता है। Why? I have no idea. GTA 4 की ग्राफिक मैं हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे चलाता हूँ, तब भी मुझे ऐसा रियलाइज होता है जैसे मैं इसे 720p में खेल रहा हूँ। Why? I have no idea. Well guys, अब हम फाइनली जानते हैं अपने एक्सपर्ट्स की राय, यानी कि ऑसम जीनोम एंड लीजी असैसिन इस बारे में क्या सोचते हैं। मुझे लगता है GTA 4 के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन खुद इसका गेम इंजन रेज ही है, क्योंकि जब GTA सीरीज 3D यूनिवर्स से HD यूनिवर्स में शिफ्ट हुआ, तब Rockstar Games ने GTA 4 के लिए एक न्यू गेम इंजन डेवलप किया जिसका नाम था रेज इंजन। अब इस गेम इंजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये परफेक्टली डेवलप नहीं हुआ था, और इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से जब इस गेम इंजन में GTA 4 को बनाया गया तो GTA 4 गेम के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए, जिसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी गेम की ऑप्टिमाइजेशन, जिसकी वजह से GTA 4 अच्छे से अच्छे PC में भी बहुत ही कम FPS पे चलता था, और इसमें गेम के क्रैश होने के इश्यूज भी बहुत ही ज्यादा हुआ करते थे। GTA 4 के अनपॉपुलर होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि वो बहुत ज्यादा अनऑप्टिमाइज गेम है। अनऑप्टिमाइज से मेरा मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा अटकता है। अगर आप उसके लिए एक बहुत ही अच्छा PC भी लिया होगा ना, तो वो उसमें भी अटकेगा। मेरे पास जो लैपटॉप है वो GTA 5 को स्मूथली रन कर लेता है, लेकिन फिर भी वो GTA 4 को नहीं चला पाता, क्योंकि Rockstar Games ने इस गेम को बनाते वक्त शायद कुछ गलतियां कर दी जिसकी वजह से इतना ज्यादा अटकता है, और इसलिए बहुत से लोगों के PC में नहीं चल पाता, और इसलिए शायद ये पॉपुलर नहीं है। सो गाइज, यही थी आज की वीडियो। मैं होप करता हूँ कि आपको ये पता चल चुका होगा कि वाई GTA 4 फेल्ड। मैंने ट्राई किया है कि इन डेप्थ आपको ये सारी चीजें समझा पाऊँ एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ, एंड मैं फाइनली होप करता हूँ कि कम से कम आप मेरी वीडियो से तो कनेक्ट कर पाए होंगे। अगर आप मेरी वीडियो से कनेक्ट कर पाए हैं तो आप मेरे चैनल के साथ भी कनेक्ट कर जाएं। आपको लस्टर की तरह कुछ ऐसी हैकिंग करनी है जिससे वो रेड कलर का बटन रेड ना रहे, वो ग्रे हो जाए। सो मैं होप करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। ओके, सो अब फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।